हेलो एंड वेलकम टू जेके डी सिंफो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है जयेश कुमार और दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमारे पास जो है 6-in-1 रिमोट है जिसके दो विजेता हुए हैं और दो विजेता का नाम बताऊंगा जिसको ये दो रिमोट मिलेंगे। आगे भी दोस्तों गिव अवे जारी है। नेक्स्ट हमारा जो गिव अवे है ये होने वाला है प्रताप का, ये फुल HD सेटअप बॉक्स का, और जिसके अंदर आप भी दोस्तों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी हमारे नए पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से कोई भी ये HD सेटअप बॉक्स को जीत सकते हैं। और पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना है, ठीक है। तो आप भी दोस्तों कभी भी ये सेटअप बॉक्स हो सकता है आपका, बिल्कुल फ्री में जीत सकते हो ये HD वाला सेटअप बॉक्स। और दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की, तो आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है एक बहुत ही स्पेशल, क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसके अंदर एक सेटअप बॉक्स के अंदर दूसरे सेटअप बॉक्स का रिमोट कैसे चला पाएंगे। तो दोस्तों 100% वर्किंग ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप दूसरे सेटअप बॉक्स का रिमोट इस सेटअप बॉक्स के अंदर चला पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक बॉक्स के अंदर मैं सॉलिड का रिमोट चला के आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ताकि अगर कोई भी अगर आप वीडियो को स्किप कर दे तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मिस कर देंगे, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपका सेटअप बॉक्स डेड हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आप भी अपने सेटअप बॉक्स के अंदर किसी और सेटअप बॉक्स का रिमोट चला पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह का एक सेटअप बॉक्स है। अब इस सेटअप बॉक्स का रिमोट, मान लो कि आपके पास भी सेम कोई इस तरह का एक सेटअप बॉक्स होगा जिसका रिमोट आप टूट गया है, या फिर कोई भी तरीके से मतलब आप नया रिमोट जो है इसके अंदर पेयर करना चाहते हैं। तो अब मान लो कि यहाँ पर मेरे पास ये सेटअप बॉक्स है, अब इसके अंदर मैं ये सॉलिड का, ये मेरे पास रिमोट एक दो रिमोट पड़े हैं सॉलिड के, क्योंकि सॉलिड के सेटअप बॉक्स काफ़ी मेरे पास, तो इसीलिए ये रिमोट मैं इसके अंदर चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर ये इस रिमोट को यहाँ पर से चलाना चाहूँ तो ये रिमोट इसके अंदर वर्क नहीं करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर टीवी के अंदर, आप देख लीजिए ये कोई भी बटन इसका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रिमोट इस सेटअप बॉक्स का है ही नहीं, तो यहाँ पर कैसे ये काम करेगा। लेकिन अगर आप मैं जो एक प्रोसेस बताऊँगा, अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो इस सेटअप बॉक्स के अंदर भी ये रिमोट काम करने लग गया। तो ये कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों इस सेटअप बॉक्स का रिमोट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। मान लो कि यहाँ पर रिमोट बिल्कुल टूट गया, अवेलेबल ही नहीं। अगर अवेलेबल होता तो इसी रिमोट से भी आप डंप फाइल निकाल सकते थे, लेकिन अभी रिमोट ही नहीं है मान लो आपके पास। तो आपको क्या करना है, कोई एक मोबाइल लेना है, अपने फ्रेंड का भी आप ले सकते हो जिसके अंदर IR सेंसर लगा हो। तो ये MI के मोबाइल में ज़्यादातर दोस्तों ये देखने को मिलता है, Xiaomi, Redmi के मोबाइल के अंदर। तो इसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर लेना होगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि ये रिमोट कंट्रोल का एप्लीकेशन होगा, जिसके अंदर अलग अलग 36 टाइप के दोस्तों आप रिमोट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 रिमोट मिल जाएंगे। अब इस सेटअप बॉक्स का रिमोट यहाँ से हम पता कर लेते हैं कौन सा रिमोट यहाँ पर वर्क करेगा। तो चलिए यहाँ पर से कुछ रिमोट आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से रिमोट देख सकते हो, ये रिमोट देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखता हूँ यहाँ पर ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं ये नहीं कर रहा है 21 वाला, हाँ बिल्कुल ये काम कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी के अंदर ये रिमोट इस सेटअप बॉक्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना ये है कि इस सेटअप बॉक्स के अंदर एक पेन ड्राइव लगाएंगे। हम यहाँ पर पीछे मैंने ये पेन ड्राइव लगाई है क्योंकि हमें इस सेटअप बॉक्स की डंप फाइल चाहिए होगी सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर से हम इस सेटअप बॉक्स की डंप फाइल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे सॉफ्टवेयर अपग्रेड में, और सॉफ्टवेयर अपग्रेड में दोस्तों यहाँ पर आपको USB अपग्रेड लिखा है, वहाँ पर आपको डंप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइल पाथ में आपको फाइल पाथ सिलेक्ट कर लेना है जो आपके पेन ड्राइव के अंदर जो भी फोल्डर में आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं USB अपना यहाँ पर दिखा रहा है जिसके अंदर मैं ये डाउनलोड वाले फोल्डर में, चलिए इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट पे ओके दबाना है, तो यहाँ पर हमारा डंप फाइल लेना शुरू हो गया। यानी कि यहाँ फाइल की जो सेटअप बॉक्स के अंदर आप दूसरा रिमोट अगर पेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सेटअप बॉक्स की डंप फाइल में यहाँ पर से निकाल लिया है, ठीक है। तो ये डंप फाइल दोस्तों हमारे ये पेन ड्राइव के अंदर आ चुकी है। तो अब दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारी डंप फाइल है। अब ज़रूरत होगी दोस्तों हमें सॉलिड के रिमोट की
XML फाइल। यहाँ पर दोस्तों आप सॉलिड का रिमोट ही चलाइए, ये नहीं है, अगर आप यहाँ पर कोई 6605 वाला ये वाला रिमोट चलाना चाहे तो ये भी चला सकते हो। फिलहाल दोनों आप रिमोट में से कोई भी रिमोट अगर आप चलाना चाहते वो रिमोट आप चला पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, एक लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर से आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी मैंने पूरी प्रोसेस दी हुई है कि कैसे आपको ये करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको जाना है, एक आपको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सॉलिड वाला जो ये रिमोट है इसकी XML फाइल मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ से इस XML फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर से मैं ये की मैप नाम से ये जो फाइल है ये डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को और इसके अंदर जो हमने डंप फाइल ली है दोनों को हम PC के अंदर कॉपी कर लेंगे। तो उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस डंप फाइल को हम PC के अंदर कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले पेन ड्राइव में हमारी जो डंप फाइल थी उसको हम यहाँ पर से कॉपी करेंगे, जो कि हमारे डाउनलोड फोल्डर में हमने डंप फाइल लिया हुआ था। तो ये है डंप ऑल डॉट बिन, तो इसको करेंगे यहाँ पर से कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। और जो दोस्तों हमने की मैप डाउनलोड की थी ये है सॉलिड रिमोट की, और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने बताया था आपको सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपको ओपन करना है। तो सॉफ्टवेयर ओपन होते ही दोस्तों यहाँ पर आपको GX रीपैक अनपैक का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर से सिलेक्ट सॉफ्टवेयर करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करना है वो अभी हमने जो यहाँ पर जो डंप फाइल निकाली है वही यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डंप ऑल डॉट बिन सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर से ओपन करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से जैसे हम अनपैक करेंगे तो आपके सामने एक फोल्डर बन के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोल्डर हमारे पास एक आ चुका है, ठीक है। अब फिर से दोस्तों आपको ये सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, यहाँ पर हमें जाना है न्यू टक्स बॉक्स एफ टूल में, और यहाँ पर जाना है फाइल में और ओपन में जाना है आपको, और जहाँ पर हमारा जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुआ है वहीं वहाँ जाना है हमें, जो कि है डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डंप ऑल एक्सट्रैक्टेड, तो यहाँ पर जाना है। अगर यहाँ पर कोई भी फाइल नज़र नहीं आ रही तो आप नीचे से यहाँ पर ऑल फाइल पर सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की फाइल नज़र आएंगी। तो यहाँ पर से आपको जाना है रूट फाइल में, तो रूट फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राफ्ट क्लिक किया जाएगा। उसके बाद आपको जाना है DBB में, और DBB में दोस्तों आपको थीम देखने को मिले थीम। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं की मैप डॉट XML ये वाली फाइल को हमें रिप्लेस करना है ये वाली फाइल से। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फाइल को मैं कर लेता हूँ डिलीट, क्योंकि ये हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस फाइल के डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर की मैप जो है वो फाइल को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ Ctrl+V से पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो आ चुकी है keymap.xml, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा काम यहाँ पर आधा हो चुका है। अब यहाँ से मैं इस विंडो को कर लेता हूँ क्लोज, और यहाँ पर से आप देख सकते हैं सेव करना है, तो यहाँ पर यस कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा जो काम आधा हो चुका है, अब यहाँ पर फिर से दोस्तों आपको जाना है रीपैक अनपैक में, और यहाँ पर ओपन एक्सट्रैक्टेड फाइल पर क्लिक करना है। और जहाँ पर हमारी एक्सट्रैक्टेड जो फाइल है वो फिर से हमें यहाँ पर एक बार सिलेक्ट कर लेनी, जो कि है डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल एक्सट्रैक्टेड, तो यहाँ पर से इसे ओके करना है, और फिर से एक बार दोस्तों यहाँ से आपको रीपैक कर लेना है। तो जैसे आप रीपैक करेंगे एक नया सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिर से एक बार डंप ऑल न्यू डॉट बिन से एक सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से कर लेना है आपको कॉपी, और जो हमारे पेन ड्राइव है वहाँ पर हमें पेस्ट कर लेना है। तो पहले हमारे पास ये सॉफ्टवेयर था, अब यहाँ पर से ऑल डॉट बिन न्यू सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर को फिर से हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर लगाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो ये फिर से मैं यहाँ पर से लगा रहा हूँ अपने सेटअप बॉक्स के अंदर। आगे वाला पोर्ट जो है वो ख़राब है, इसीलिए मैं यहाँ पर पीछे लगा रहा हूँ। और फिर से दोस्तों इसी रिमोट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस सेटअप बॉक्स का रिमोट अवेलेबल नहीं है हमारे पास इसीलिए। तो रिमोट का एप्लीकेशन दोस्तों अपने मोबाइल में ज़रूर आप इंस्टॉल करें, ये बहुत ही काम का है। इसके अंदर अलग अलग 36 प्रकार के रिमोट आपको मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों फिर से हमें जाना है मेनू में। एक सेकंड, मैं यहाँ पर से HDMI पोर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ओके तो फिर से दोस्तों हमें यहाँ पर एक बार जाना है सॉफ्टवेयर अपग्रेड के अंदर, और यहाँ पर इस बार जो है यूएसबी अपग्रेड आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल पाथ में जाना है, और फाइल पाथ में दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नया सॉफ्टवेयर है डाउनलोड फोल्डर के अंदर, तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है डंप ऑल न्यू डॉट बिन, और ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट ओके करना है। तो ये नया सॉफ्टवेयर जो है वो होने की प्रोसेस शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आप ख्याल रखें कि आपका बॉक्स जो है वो किसी भी बस मतलब पावर कट ना हो जाए, या फिर बॉक्स का एडेप्टर वगैरह अच्छी तरह से लगा लीजिए, या फिर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर का यूज़ करें, क्योंकि अगर पावर कट हो जाता है तो बॉक्स डेड होने की पूरी संभावना रहती है, तो ये ख्याल ज़रूर रखें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर जो है अपग्रेड हो चुका है लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल ये रिबूट भी होने लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बॉक्स है वो रिबूट हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा जो ये रिमोट पहले काम कर रहा था, सबसे पहले यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि ये रिमोट अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये रिमोट वर्क नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर ओके दबा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ और लिख के नज़र आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्योंकि सॉलिड वाला ये रिमोट की XML फाइल इस सेटअप बॉक्स की डम फाइल के अंदर ऐड करी है, तो अब ये रिमोट चेक कर लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला सॉलिड का रिमोट यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं अगर बात करूँ बटन की, तो एंटेना सेटिंग में दोस्तों हम जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो यहाँ पर जो बटन है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि रिमोट चल जाता है लेकिन ये कलर वाले जो बटन है यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट लिस्ट के लिए रेड बटन है। तो यहाँ पर मैं रेड बटन अगर दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट का लिस्ट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर ऐड की, तो यहाँ पर ग्रीन बटन से ऐड कर सकते हैं, ये भी दोस्तों वर्क कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद बात करें एडिट की, तो यहाँ पर येलो बटन मैं दबाऊंगा, तो ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ये सॉलिड का ये रिमोट अब इस सेटअप बॉक्स का बन चुका है। अब सॉलिड का रिमोट इस सेटअप बॉक्स के अंदर बहुत ही आराम से ये चलेगा। अगर मान लो कि आप सॉलिड का रिमोट इस सेटअप बॉक्स के अंदर नहीं चलाना चाहते और ये वाला रिमोट चलाना चाहते हैं, तो इसकी भी XML फाइल की लिंक मैं यहाँ पर दे दी है, तो ये फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपको सॉलिड चलाना है तो सॉलिड की XML फाइल कीजिए, या फिर ये रिमोट चलाना है तो इसकी रम फाइल भी आपको या अपनी XML फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप ये कर पाएंगे। तो देखा दोस्तों यहाँ पर ये सेटअप बॉक्स के अंदर अब ये रिमोट काम करेगा, और ऐसे ही आप भी अपने सेटअप बॉक्स के अंदर इसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड वीडियो था, हमारे एक सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन थोड़ा वीडियो लेट से बनाए उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो प्रोसेस की है वो सारी कंप्यूटर के अंदर की है, लेकिन अगर आपके पास पीसी या फिर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है और आप अपने मोबाइल के अंदर ही ये सारी प्रोसेस करके रिमोट की फाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे मैं दोस्तों एक अपडेट वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर आप मोबाइल के थ्रू किस तरह से इसे कर पाएंगे, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी अलग से बना दूंगा। तो अगर आपके मैक्सिमम कमेंट आती है तभी मैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। और बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों के यारों के साथ शेयर करना, और इसी तरह से दोस्तों नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो बस दोस्तों अगर आप भी नेक्स्ट गेम में विनर बनना चाहते हैं, नए नए सेटअप बॉक्स जीतना चाहते हैं, तो चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब।